दें कि अजमेर के आयुर्वेद डॉक्टर्स का आयुर्वेद निदेशालय पर अनिश्चितकालीन धरना जारी है। इस लेकर आयुर्वेद डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें संविदा पर रखा गया, लेकिन परमानेंट नहीं किया जा रहा। वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार और मंत्रियों को अवगत करवाते रहे, लेकिन उनकी मांग आज तक पूरी नहीं हुई। तो वही धरने के दौरान चिकित्सकों ने लोगों को मास्क भी वितरित किए। आज संविदा आयुर्वेद चिकित्सक एसोसिएशन राजस्थान के बैनर तले आज धरने का 11वां दिन है। आज हमने हस्ताक्षर अभियान के साथ साथ हमने मास्क वितरण का कार्यक्रम भी किया है, और हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारे जो ग्रामीण कैडर है उसको सामान्य कैडर में मर्ज करते हुए जल्द से जल्द DPC की जाए, और जो राज्य सरकार ने जो गए बजट में जो 58 ब्लॉक चिकित्सालय की जो घोषणा की थी, हमने जो 174 जो शुद्ध रूप से आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी की पोस्ट है उन पोस्टों को आयुष के नाम से विभाजित न करते हुए उनको पूरे आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए उपलब्ध कराई जाए।